गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 बज गए लगभग, और अब जाकर के व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और कल मैंने आप लोगों से बोला था मैंने जाना है हरिद्वार, तो अब जाकर के हम लोग निकल रहे हैं। वैसे मॉर्निंग में निकलना था लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई थी, वो खैर मैं आपको बातें बताऊँगा। तो बस अभी हम रुड़की से निकले ही हैं और हम लोग जा रहे हैं वाया कलियर होते हुए। हालांकि वहां पे खैर कलियर तो नहीं जा पाएंगे लेकिन क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे क्योंकि टाइम कम है अभी। और गाइस कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 4 लाइंस हैं, तो धनौरी रोड पर है और जैसे अपना रुड़की में ब्रिज है उसी तरह से एक ये वाला ब्रिज है। और इसके बाद अभी आप देख सकते हो सामने यहाँ पर आपको 2 लाइंस नज़र आ रहे होंगे, तो इस तरह से टोटल 4 लाइंस हैं। और बाकी चलते चलते मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो। और ये है अपना धनौरी रोड पे, यानी रुड़की से अभी अराउंड हम लोग हैं 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 2 लाइंस इधर है और सेम साइज़ के ही हैं जैसे अपने रुड़की में है। तो चलो एनीवेज अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं लगभग कलियर पर। तो ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख सकते हो, सो ये मेन मस्जिद है कलियर की, और बाकी एक इधर थोड़ा आगे चल करके भी है। सो काफ़ी फेमस जगह है, और बस थोड़ा सा ये है कि भी अंदर हम लोग अभी विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। बाकी गाड़ी ऐसे निकालते हुए और इधर से आपको दिखा देते हैं। सो कुछ इस तरह से ये मस्जिद है और हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मॉस्क है तो केवल मुस्लिम जो है वो यहाँ पर आते हैं। बाकी जैसे बोला जाता है अभी कि कई सारे जो बीमारी है या जो ऊपरी जो चीज़ें होती है तो उन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए सो लोग यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी फेमस जगह, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। बाकी अंदर भी जो है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो अंदर तक हम वैसे भी नहीं जा रहे हैं। बाकी मैंने कहा चलो आपको बार बार से दिखा देते हैं। सो बाकी पब्लिक आप लोग देख ही सकते हो कितनी हो रखी है इधर। और गाइस सामने ये है इसकी मेन एंट्री, मतलब एक तरह से जो मेन गेट है, और ये ठीक सामने यहाँ से एंट्री लेकर के जो जो मेन मस्जिद है उसकी एंट्री है। तो कुछ इस तरह का व्यू है, ये आप लोग देख सकते हो। और बाकी पब्लिक खैर काफ़ी है, और जैसे सिखों में चलता है लंगर वगैरह, सो कुछ इस तरह का भी यहाँ पर चलता है कि जिनकी मनोकामनाएँ पूरी होती है तो वो लोग यहाँ पर जो भंडारा है या लंगर हम लोग बोल सकते हैं वो करवाते हैं। तो खैर बस यही था कलियर के बारे में। बाकी अभी हम लोग बढ़ रहे हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार भी रुड़की से अराउंड 34 किलोमीटर के आसपास है, तो लगभग 1.25 घंटा में लगता है। बाकी अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग करते करते बढ़ रहे हैं आगे, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। तो एनीवेज खैर अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। जा रहा हूँ यहाँ पे किसी काम से आ रखे थे, तो अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। बाकी ये देख सकते हो बिल्कुल पूरा घाट, और सामने भी है खैर अभी तो खैर काफ़ी कुछ बन गया है। बाकी आधा पोर्शन इधर ड्राई पड़ा है और आधे में चल रहे हैं अभी पानी। और बैक साइड की अगर हम बात करें तो उस तरफ पड़ता है अपना हर की पैड़ी, तो खैर उस तरफ तो जाना हुआ नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो बाकी जो घाट है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है और दोनों तरफ है, इस साइड भी आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा व्यू है इधर का, और ये देख सकते हो भी मतलब घाट जो है अब काफ़ी अच्छी तरीके से बना दिया गया है। पहले तो खैर ऐसा ही था, कच्चा था, लेकिन अब देखोगे तो प्रॉपर टाइल्स वगैरह है और साफ़ सुथरा भी है काफ़ी, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं और अंदर इवन घूमे भी है। और ये देख सकते हो यहाँ पर जो मेन एंट्री है वो रखी है चंडी घाट के ये नीचे। बाकी टाइम लगेगा तो शायद अभी नीचे से भी घुमा देंगे आप लोगों को। सो खैर अभी चलते हैं अपने फ्रेंड के घर। एंड गाइस इधर पहुंचते ही खैर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है, क्योंकि हम लोग जो है ऑलमोस्ट पहाड़ पे ही एक तरह से मान लो, क्योंकि राइट साइड में जो है अपने ये पहाड़ है और अपने लेफ्ट साइड में घाट है। तो खैर इधर को हम लोग बढ़ रहे हैं अभी और जा रहे हैं अभी अपने फ्रेंड के घर पर। तो देख सकते हो राइट साइड में पूरा पहाड़ ही पहाड़ है एकदम।
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने फ्रेंड के घर पे, और खैर फ्रेंड तो है नहीं अभी घर पे, बाकी जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ अभी जब हम पंजाब गए थे, सो उस टाइम आप लोगों ने देखा उस व्लॉग में उनको। सो खैर अभी भाई गया हुआ है, वो थोड़े पास में ही है, सो वहाँ से भाई पिक करने के लिए गया। बाकी उनके बच्चे हैं घर में, सो मैंने कहा जब तक वो लोग आते तब थोड़ा जो व्लॉग है वो शूट कर लेते हैं। सो गाइस ये आप लोग देख सकते हो भाई कि जो हमारे फ्रेंड हैं उन्होंने किस तरह से जो मुर्गियां हैं और बत्तख है और इवन बकरियां भी, तो काफ़ी कुछ पाल रखे हैं। बाकी उनके दोनों बच्चे, नाम बताओ बेटे, क्या नाम है? जेम्स। जेम्स है इसका नाम, और आपका? जॉय। जॉय, तो भाई एक का नाम जेम्स है, एक का नाम जॉय है। सो ये दोनों बच्चे हैं उनके, और बाकी अभी ज्योतिष भाई जो है उनको लेने के लिए भाई गया हुआ है, सो जब वो आते हैं उनसे ही मिलवाते हैं। बाकी भाई देखो शहरों में हम लोग रहते हैं, और जो थोड़ा सा गांव साइड के अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, सो देख सकते हो भाई कितना मतलब मज़े में रहते हैं ये लोग, एकदम इतनी सारी मुर्गियाँ हैं और बत्तख है, बकरियाँ हैं, सो मतलब एकदम ताज़ा खाना पीना कोई दिक्कत ही नहीं। और अंडे कौन खाता है इनके? अंडे कौन खाता है इतनी सारी मुर्गियों के? बेच देते हैं। तुम दोनों नहीं खाते? खाते हैं ना। हाँ भाई, सो कुछ ये है, बाकी कुछ इस तरफ भी है, और चूजे वगैरह या फिर बड़े जो हैं सब कुछ है यहाँ पर, और इवन बकरी भी है। बकरियाँ कहाँ गई अभी तुम्हारी? चरने के लिए? चरने के लिए गई ना बड़ी बकरी। हाँ, सो बड़ी बकरियाँ अभी इनकी चरने के लिए गई हुई है, और उनके जो बच्चे हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे भी मुर्गी के चूजे घूम रहे हैं। सो ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो भाई बकरी के छोटे छोटे बच्चे, ये देखो भाई कितने सारे हैं। तो मतलब ये लाइफस्टाइल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल मेरे को भी कुछ इस टाइप का पसंद है, लेकिन क्या करें शहरों में है तो भाई थोड़ी दिक्कत रहती है पालने वालने की। बाकी देखो कैसे पास आ गए भाई, ये देखो भाई, हाँ भाई, तो ये देख सकते हो भाई। चराने के लिए कौन लेके जाता है? पापा मम्मी? दादी लेके जाती है इनकी, जो इनकी मम्मी वगैरह है बड़ी बकरियाँ जो है उनको इनकी दादी लेके जाती है घुमाने के लिए। सर देख सकते हो भाई कैसे खुश मिसाज हो रखे, एकदम बिल्कुल मेरे पास पास आ गए देखो। सो बाकी मुर्गियों से रिलेटेड जो वीडियोस है उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो, क्योंकि उस चैनल के में मैं भी यहाँ पे वीडियो शूट कर लेता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो भाई, ये आ गए हमारे दोस्त ज्योतिष भाई, जिनको आपने पिछले व्लॉग में भी देखा था, शक्ल तो दिखा दो भाई एक बार सही से। सो पंजाब वाले टाइम पर ये मेरे साथ थे, तो ये है भाई इनका आशियाना, और बाकी मैंने मुर्गियाँ बकरियाँ ये सारी चीज़ें तो दिखा दी, मतलब करोड़ों की संपत्ति लेके घर से गायब रहते हैं ये आराम से घूम रहे फिर रहे, मतलब यहाँ बकरी के बच्चे छोड़ रखे, मुर्गियाँ हैं, बत्तख है, बाकी बड़ी मुर्गियाँ, ये बाकी बड़े जो बकरियाँ हैं वो तो खैर अभी चरने के लिए गई हुई है, और वो देखो कितनी सारी बत्तख आ रही सामने से। तो भाई इतना मतलब करोड़ों का माल मान के चलो इनके पास, और ये अपने काम पे निकल जाते हैं। ये तो खैर इनका शौक के लिए इन्होंने पाल रखे हैं, बाकी ऑटो वगैरह चलाते हैं, सो मेन लाइवलीहुड वो है, सो खैर कुछ इस तरह की लाइफ बिताते हैं भाई ये। सो चलिए बाकी मैं दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो शूट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से हमने निकलना भी वापस रुड़की के लिए, क्योंकि शाम भी हो रही है। सो चलिए, सो गाइज अभी टाइम हो गया है 4:30, और अब समय है इनसे विदा लेने के लिए, सो बढ़ेंगे अभी हम लोग रुड़की के लिए। और बाकी यहाँ से हम लोग लेके क्या जा रहे हैं, ये देखो बकरी के बच्चे आगे पास में, खैर हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से एक जोड़ा मुर्गे का, तो ये देखो अभी मुर्गी है और कट्टे के अंदर ही मुर्गा है, सो ये चीज़ हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, और ये रहे भी उनके दोनों बच्चे, टाटा कर दो भाई दोनों, जॉय और जेम्स है ना। सो भाई जेम्स तो नहीं, क्या नाम है जेम्स ना, हाँ, सो जेम्स तो खैर आज रात में निकल जाएगा हॉस्टल के लिए, बाकी इसके साथ साथ मैं भी जाऊँगा, और हमने भी प्लान कर रखा है डेनियल को हॉस्टल में डालने के लिए, सो जिस हॉस्टल में जेम्स है उसी हॉस्टल में हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो कल जा करके वहाँ बातचीत करनी है, सो इस वजह से इनको मैं भी ज्वाइन करूँगा रात में, ये लोग यहाँ से निकलेंगे, और फिलहाल मैं हरिद्वार सॉरी रुड़की से बैठूँगा इनके साथ। सो चलो अभी खैर निकल जाते हैं हम लोग यहाँ से, टाटा कल दो भाई, ठीक है। Thank you.
भी हम लोग निकल पड़े हैं और लगभग आधी जर्नी तो खैर अपनी कंप्लीट हो चुकी है और बस अभी रुके थे हम लोग फ्यूल भरवाने के लिए। और आज जो है भाई अपना यहाँ उत्तराखंड में रेट है 98.58, हरियाणा का पता नहीं क्या होगा क्योंकि लास्ट दो तीन दिन पहले भरवाया था वहाँ पर तो 106 पॉइंट समथिंग था, जो कि मैंने व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था। तो पता नहीं अभी शायद रेट गिरे हैं कि नहीं, बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी जो हमने डलवाया था 98.58 है यहाँ पर अभी का रेट। तो एनीवेज चलो पहुँचते हैं रुड़की, और अराउंड यहाँ से रह गया बस अभी रुड़की 10 किलोमीटर। और ये सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी मेंशन है भाई रुड़की 10 किलोमीटर। तो चलो घर पहुँचते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो गए हैं 10:30 और अपना डिनर वगैरह भी हो गया है और बस टाइम है अभी सोने के लिए। और बाकी मॉर्निंग में मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ ऐसी बात हुई जिसके वजह से जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ था। और बात कुछ ऐसी है कि कल जब हम लोग पटाखे फोड़ रहे थे सो डैनियल एक अनारवम जला रहा था जो कि जला नहीं, लेकिन वो उसी टाइम ब्लास्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि उसके हाथ में चोट आ गई, चोट मतलब जल सा गया काफ़ी। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो भाई, ये डैनियल का हाथ है और वैसे तो खैर अभी इसमें हमने मेडिसिन लगा दी है। बाकी ये था कि भाई अनारबम में वैसे फटता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं बस किस्मत ख़राब थी या क्या था, तो एकदम से वो शॉर्ट हुआ और इसके हाथ में एकदम से मतलब जल सा गया काफ़ी। तो बाहर की तरफ से भी वो रखा, बाकी यहाँ रिस्ट में अगर आप देखोगे इसके अंदर की तरफ से तो इधर जल रखा है। बाकी सिर में भी हल्की हल्की सी ये छींटे से पड़ी थी, सो इस वजह से हालांकि फेस तो बच गया लेकिन हाथ में प्रॉब्लम हो गई है। गलो किसने जलाया बता दे, किसने जलाया? एक अनार जलाया, एक अनार ने जला दिया अभी इसका हाथ। सो इस वजह से आज सुबह से व्लॉग में भी नहीं आया और खैर कल रात तो खैर काफ़ी परेशान था। बाकी अभी ठीक है, लेकिन चलो अभी थोड़ा सा सही होने में भी टाइम लगेगा। बाकी इसके लिए प्रेयर्स करते रहना भाई सब, ठीक है? गोलो बोल दो, सब मेरे लिए प्रेयर करना, बोल दो भाई। सो फिलहाल तो खैर बोलने के मूड में है नहीं। सो आज के ब्लॉग को हम लोग कर लेते हैं पर एंड, और होपफुली आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मिलते हैं कल एक और एक नए ब्लॉग के साथ। मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।